हेलो भाई, स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग फिर से खेल रहे हैं एक न्यू गेम जिसका नाम है गेमर शॉप सिमुलेटर। तो आज हम लोग कुछ न्यू गेम खेलने वाले हैं और यकीन मानो काफ़ी तगड़ी गेम है ये। पहले मेरे को भी नाम से सुन के ऐसे अजीब सा लग रहा था, लेकिन जब मैंने खेली तो भाई ये गेम बहुत एडिक्टिव है, लिटरली बता रहा हूँ। काफ़ी मज़ा आता है इसको खेलने में और सबसे बेस्ट पार्ट इसका ये है कि जल्दी ख़त्म भी हो जाती है, एक तरह से मतलब फिनिशिंग गेम है। तो हालांकि मेरे को फिनिश करने में थोड़ा टाइम लगता है इसको, लेकिन भाई जब मैंने खेलना स्टार्ट किया था ना तो भाई बहुत मज़ा आ गया था इस गेम को खेलने में। म्यूज़िक ऑफ कर देता हूँ, कहीं कॉपी रखना पड़ गया इसमें। तो गाइस यहाँ पे ये होता है कि तुम्हें जस्ट अपनी शॉप खोलनी होती है जिसका नाम मैंने रखा है इल्यूमिनेट जोरो शॉप। तो भाई यहाँ पे जोरो भाई को इंक्लूड कर दिया। तुम सब लोग बोल रहे हो कि काफ़ी टाइम से इसको चैनल बनाने को, तो यहाँ पे उसका चैनल खुल चुका है एक तरह से। तो अभी देखते हैं इस शॉप में क्या क्या करना है। यहाँ पे तो काफ़ी कचरा भरा पड़ा है और यहाँ पे देखो गैरेज टाइप का लग रहा है बिल्कुल जस्ट। तो इसको बैठा देते हैं टिन को और बिल्कुल अभी शॉप मतलब कचरा मच रखा है शॉप में, बुरा हाल है। तो अभी बहुत कुछ करना है इसमें और सबसे पहले डेस्क रिपेयर कर लेते हैं। और यहाँ पे कंप्यूटर लग गया तो अभी आई थिंक ये कंप्यूटर यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जस्ट हमें सामान बेचना होता है, गेमिंग वगैरह बहुत सारा सामान होता है, जस्ट मतलब गेमर शॉप्स टाइप से चीज़ें हैं। लेकिन भाई तुम्हें मज़ा आने वाला है, लिटरली बता रहा हूँ पूरी सीरीज़ में, और ज़्यादा लंबी सीरीज़ नहीं होगी इसके। मैं डिसाइड करूँगा तुम्हारे रिस्पॉन्स के ऊपर कितने एपिसोड्स होने वाले हैं। 3 मैं खुद से सोचे हुए हैं, बाकी तुम्हारे रिस्पॉन्स के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो जस्ट तुम्हें मज़ा आने वाला है, बस इतना मेरी गारंटी है। काफ़ी अच्छी गेम है। तो सबसे पहले तो यहाँ का कचरा हटा लेते हैं क्योंकि ये अंदर की गैरेज है और यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें होने वाली हैं, जस्ट देखना तुम। लेकिन थोड़ा बहुत पहले शेल्फ लगा देते हैं ताकि हम लोग थोड़ी बहुत चीज़ें बेच पाएँ। तो ये लगाते हैं काउंटर के बगल में, तो इसके ऊपर हम लोग चीज़ें रखेंगे और वो सेल होंगी। लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत यहाँ पे गार्बेज हटा देते हैं, पूरा तो नहीं हटाऊँगा मैं, जब बाद में हटाऊँगा इसे, क्योंकि भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब कस्टमर आने वाले हैं, अभी तो पता नहीं कब आएंगे। और यहाँ पे कीबोर्ड बचा है सबसे पहले, और यहाँ पे मेरे पे पर्स भी है, पर्स में आई थिंक 500 to 600 rupees है समथिंग। तो ये है 650 समथिंग है मेरे पास, तो इसका कुछ ना कुछ बाय करना पड़ेगा मुझे जस्ट ताकि यहाँ पे मैं सामान लगा पाऊँ ताकि वो बिके और अर्निंग हो। और यहाँ पे मेरे एंड ऑफ द डे सारा एक्सपेंडिचर पर चलेगा, जैसे कि लाइट का और रेंट का और भी जो मतलब गुड्स वगैरह जो भी सर्विस टैक्स है सब कुछ लगा के हमारा माइनस भी होने वाला चीज़ें। तो हमें मतलब बेसिकली सर्वाइव करना है, मतलब प्लस में जाना है पैसों में। तो देखते हैं हम लोग आई थिंक $100,000 का ट्राई करेंगे करने की, लेकिन भाई वो तो भाई अभी काफ़ी लंबा टास्क है। लेकिन अभी थोड़ा बहुत हायर करते हैं स्टाफ को, ये क्या नाम है इस लड़की का पता नहीं भाई, इसको हायर करते हैं, कैशियर है ये। तो जस्ट कैशियर हायर कर दी और भी बंदे हायर करने के लिए, लेकिन भाई अभी हमारे पास वी आर नाउ ब्रोक, मतलब हम लोग इस वक्त ब्रोक हैं। थोड़ी इंग्लिश ढीली हो गई मेरी यहाँ पर। तो यहाँ पे भाई शॉप ओपन कर देते हैं क्योंकि मैंने एक कीबोर्ड लगा दिया है उसको सेलिंग के लिए, तो वेट है कस्टमर का ताकि देखते हैं कितने में बिकता है। और मेरे को अंदाज़ा कोई नहीं है कि एक दिन में कितने कस्टमर्स आते हैं, ताकि उसी हिसाब से हम लोग सामान को बाय करेंगे और हम लोग वहाँ पे शेल्फ में लगा देंगे, क्योंकि मुझे अपने रेंट्स भी पे करने हैं एट द एंड ऑफ द डे। तो देखना पड़ेगा, काफ़ी मज़ेदार सा लग रहा है भाई। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कचरा मैंने हटा दिया, तुम लोग देख सकते हो गार्बेज बैग्स को, जैसे कि हम लोग कचरा हटा देते हैं उसके कई सारे के गार्बेज बैग बना देते हैं। और यहाँ पे हमारे फर्स्ट कस्टमर आ चुके हैं, तो इसने पे कर दिए भाई। तो इसने आई थिंक 100 से तो ऊपर किए हैं पे, पर साफ साफ दिख नहीं रहा, लास्ट में ऊपर चेक कर लेंगे, इसके पाँव पड़ जाऊँगे मैं बिल्कुल भाई, मतलब कैसे बाय कर दिया इसने। तो न्यू डे न्यू स्टार्ट, और आज हम लोग फिर से मतलब करेंगे बहुत सारा काम। यहाँ पे सबसे पहले गार्बेज हटा देते हैं, काफ़ी सारे गार्बेज हैं, कल मैंने बैग बना दिए थे काफ़ी सारे। तो यहाँ पे शॉप भी ओपन करनी है, शॉप लेकिन 8 बजे ही ओपन कर सकते हैं, और अभी बजे हैं 8 गेम में और day 2 है। तो यूनिट जोरो शॉप खोलते हैं और यहाँ पे कुछ सामान खरीदने का टाइम आ चुका है। आई थिंक यार 5 से 10 कस्टमर कल आए थे, तो उसी के हिसाब से मुझे सामान लेना चाहिए, और ज़्यादा महंगा अभी नहीं लूँगा क्योंकि मेरे को ज़्यादा क्वान्टिटी पर अभी देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बाई करता हूँ। तो यहाँ पे 496 समथिंग का सामान ले लिया है मैंने डॉलर्स का, डॉलर में चल रहा है बताओ, यहाँ पे रुपीस का होना चाहिए था भाई भारतीयों के लिए। तो लेकिन कोई बात नहीं, वो यार हम लोग ईज़ में हैं, इसके साथ भी डॉलर से कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो यहाँ पे मॉनिटर्स काफ़ी सारे आ गए जो कि मैंने ऑर्डर करे थे, मैंने इंस्टेंट के लिए किए थे, इंस्टेंट के लिए मुझे ज़्यादा पे करने पड़ते हैं, तुमने अभी देखा होगा, नहीं देखा तो भाई तुम लोग जैसे गेम डाउनलोड करोगे देखना तुम लोगों को पता चलेगा। यहाँ पे PCs लगा देता हूँ मैं सेलिंग के लिए, क्योंकि और इनका मार्जिन काफ़ी अच्छा है, आई थिंक 50 के अराउंड में खरीदे थे मैंने, मैं को भूल गया हूँ भाई, लेकिन 20-30 का मार्जिन था इसका।
लेकिन इसका बिकने का वेट करना पड़ेगा, ये लेगा कि नहीं। भाई ये तो इतने देर तुमने टाइम पास किया है एक दुकान के अंदर, मेरे को रेंट पे करना है, भाई क्या कर रहा है। तो यहाँ पे थोड़े सस्ते कर देते हैं क्योंकि बिक नहीं रहे बिल्कुल भी। और अभी अंधेरा और शॉप में आई थिंक लाइट जलानी पड़ेगी, लेकिन भाई मैं कल भूल गया था लाइट जलाना, बाद में चला दूंगा, अभी पे करने पड़ेंगे उनको। बिजली का बिल बिल्कुल है नहीं भाई मेरे पे इतने वैसे। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कीबोर्ड ऑर्डर करते हैं क्योंकि मॉनिटर तो बिक नहीं रहे, और यहाँ पे 400 समथिंग के चीज़ें मेरे पैसे बचे थे, मतलब चीज़ें नहीं। तो आई थिंक मॉनिटर बिक गए यार सारे, मतलब कमाल की बात है, मॉनिटर मेरे को उम्मीद नहीं थी सारे बिक जाएंगे। तो यहाँ पे एक बार बंदा ये लेगा कि नहीं लेगा देखते हैं। हेयर इट कम्स, भाई क्या कर रहा है, लेगा कि नहीं लेगा, तो ले लिया फाइनली। तो काफ़ी देर उसने मेहनत करवाई यार, मतलब लेने का सोच रहा था बताओ, एक मॉनिटर भी 50 रुपये का था आई थिंक समथिंग। तो फाइनली डे एंड हो चुका है कि नहीं हुआ भाई, 8 बजे डे, नहीं हाँ डे एंड हो गए, न्यू डे चालू हो चुका है, ये थर्ड डे है भाई। कंफ्यूज चल रहा हूँ क्योंकि इसकी मैंने एक साथ बल्क में रिकॉर्डिंग करी थी, और काफ़ी सारे मैंने डेज ऑफ ले लिए थे इस चक्कर में यूट्यूब से भी, क्योंकि मैंने भाई ये गेम बहुत अच्छा लगा था मेरे को खेलने में, और काफ़ी ज़्यादा खेल दिया मैंने इस गेम को, इस वजह से तुम लोग समझ सकते हो। क्योंकि जब गेम हमें सही में पसंद आ जाता है, पीछे बम पटाखे फट रहे हैं बताओ। तो यहाँ पे दिवाली वाला माहौल हो रखा है, तो उसे तुम लोग अभी यहाँ पे गेम पे आओ, और यहाँ पे देखो भाई, तो यहाँ पे कीबोर्ड लगा रहा हूँ मैं मस्त तरीके से, कीबोर्ड बहुत सस्ते मेरे को मिल गए थे, तो एक कीबोर्ड हम ऊपर भी लगा देते हैं ताकि जिसका मन करे ऊपर हाथ माया, नहीं यार नीचे लगाते हैं क्योंकि ऊपर से मॉनिटर मॉनिटर रखेंगे, लेकिन यहाँ मॉनिटर मेरे को बाय करने पड़ेंगे जस्ट। तो यहाँ पे शॉप ओपन कर देते हैं, कितने बज गए, 9 बज गए हैं। तो यहाँ पे भाई थोड़ी बहुत एड्स वगैरह चलाई क्योंकि कस्टमर 5 से 10 आ रहे हैं पूरे दिन में, और यहाँ पे मेरे पे सामान थोड़ा एक्स्ट्रा पड़ा है, और यहाँ थोड़ा और मैंने बाय किया 1500 समथिंग का, क्योंकि भाई काफ़ी सेल हुई थी पिछले मॉनिटर से मेरी, और आई थिंक मेरे को लोन लेना पड़ेगा यार, मेरे को $43 बचे हैं अकाउंट में बताओ, मतलब पर्स में, अकाउंट में तो है ही नहीं कुछ। तो यहाँ पे डे एंड हो चुका है मेरा एक और यहाँ का आज कल खाता वगैरह खुलेगा, देखो कितना माइनस लगा, कितने की सेल करी मैंने, $973, और माइनस लगा 287 का। तो इसमें सेलिंग टैक्स भी काफ़ी सारा लगा, और लाइट का, बिजली का बिल भी, और एक साथ 2 दिन बीत गए बताओ। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर वेट कर रहा था शॉप के बाहर, और आता है चोर बताओ, लो मतलब कोई कस्टमर तो आया नहीं, डायरेक्ट चोर आता, और उसको मैं लंबा कर देता हूँ बिल्कुल, और इसी चोर के आते ही कस्टमर भी आ जाता है। लेकिन भाई सबसे बड़ी बात मिस्ट्री ये कि सामने से पुलिस जा रहा है, और पुलिस ने चोर को पकड़ा नहीं, मतलब मेरे को पकड़ना पड़ रहा है बताओ। तो यहाँ पे भाई कस्टमर तो आया है, देखते हैं बाय करता है कि नहीं, मतलब तुम्हारा पैसा किस पे है, बाय करेगा कि नहीं करेगा, और सोच रहा है, और इतनी जल्दी इसने एक इनकार किया है ना, क्या बताऊँ यार, मैं इसके टांग ही तोड़ दूंगा मैं, अगर मैं कर सकता तो काश। तो यहाँ पे एक मैडम आई है, देखते हैं बाय करती हैं कि नहीं। तो यहाँ पे कचरा फैला आ गया भाई, तो क्या नहीं होते हैं, जो कस्टमर बाय नहीं करता मैंने देखा है जनरली वो मतलब कचरा फैला के जाता है। यहाँ पे स्पीकर्स बाय किए बहुत सारे मैंने, मतलब बल्क क्वांटिटी में, आई थिंक 648 के समथिंग के हम लोग परचेस कर लेते हैं, थोड़ा बहुत हमें माइनस भी करवाना है अपना वो सब कुछ, बिल्स वगैरह पे करने हैं तो उसके लिए। तो गाइस यहाँ पे स्पीकर्स को तो अनलॉक कर लेते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे मंगाए, और यहाँ पे ब्लू टी शर्ट वाला फाइनली खरीद ही लेता है, पिछली बार इसने इनकार किया था बताओ, मैंने मैंने नज़र लगा के रखी थी। और यहाँ पे डे फाइनली एंड होने वाला है, 8 बज गए हैं। तो वीडियो में बस जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको दिल से कलेजे से हार्ट से थैंक यू, जिन्होंने नहीं किया आराम से कर लेना, लेकिन भाई वीडियो को ज़रूर से लाइक करना ताकि तुम्हारे भाई का चैनल आगे बढ़े, और मज़ा आएगा।